आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और साबूदाने की बिल्कुल नई सी रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। गैस चलाकर कढ़ाई गर्म करेंगे, आंच धीमी कर देंगे। यहाँ हमने लिया है आधा कप ये बड़े वाला साबूदाना। इसकी जगह पर आप छोटे दाने का साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं। साबूदाने को सूखे साफ कपड़े से हमने पोंछा और इस पर का जितना पाउडर था उसे हटा दिया। इसे धीमी आंच पर 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जैसे ही साबूदाना ये छटकने लगेगा या चटकने लगेगा, चटचट की आवाज़ आने लगेगी, गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ हमने दो बड़े साइज आलू को छिलका हटाकर पहले से ही पानी में भिंगो कर रख दिया था ताकि ये काला न पड़ने पाए। अब इस तरह से हम ग्रेटर लेंगे या कद्दूकस करने वाली मशीन लेंगे और इसे हम ग्रेट कर लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। तो बड़ा वाला जो होल होता है उसी पर हम इसे ग्रेट करेंगे। बाउल में पानी लेंगे और सारे आलू को इसमें डाल देंगे। हाथ से रगड़ते हुए इसे 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और जो इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पानी है इसको छानकर हटा देंगे। इस तरह से हमने इसे छलनी में रख दिया और इसे छनने देंगे। मिक्सी जार लेंगे और ये साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं। तो जब साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी इसे पीसें और इसे हम बारीक पीस लेंगे। इस तरह से इसे हमने बारीक पीस लिया और ये बिल्कुल मोटी वाली जो सूजी होती है उसकी तरह हो गया है। अब इसी में हम डाल देंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और ये 2 डंठल करी पत्ता, साथ में 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ ये ताज़ा नारियल। इसकी जगह पर आप सूखे नारियल का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबको इकट्ठा कर लेंगे और इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। सबको हमने बारीक पीस लिया और ये बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। अब आलू को हम इसी बाउल में पलट देंगे। इसका पानी छन गया है, बाउल में पानी नहीं है, सूखा है और मिश्रण को इस आलू में निकाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा है, इस तरह से अच्छी तरह से मिला नहीं पा रहे हैं, तो इसे हम हाथ से ही इस तरह से मिलाएंगे नीचे से ऊपर तक। अब इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक स्वाद के अनुसार, इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे ये कूटा हुआ लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स। तो अगर व्रत में आप लाल मिर्च नहीं खाते तो इसे न डालें। 1 छोटी चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर किनारे रख देंगे। यहाँ हमने लिया है टिफ़िन बॉक्स और इसे रिफाइंड ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप इसकी जगह पर कटोरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मिश्रण को हम अच्छी तरह से मिला देंगे तो ये काफ़ी गाढ़ा है। इसी तरह से हम दोबारा इसे हाथ से गोल गोल फेंटते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच ये खाने वाला सोडा या मीठा सोडा और 7 से 8 ये क्रश की हुई या कूटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच पानी डाल देंगे और सबको अच्छी तरह से इस तरह से फेंट लेंगे। गोल गोल घुमाते हुए इसे किनारे रख देंगे। गैस चलाकर कढ़ाई रखेंगे, इसमें 2 गिलास पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इसके ऊपर जाली रख देंगे और जाली के अंदर ये हमने टिफ़िन बॉक्स रख दिया है, तो इसको हमने पहले ही रखा था, ये काफ़ी गर्म था, आपको दिखाने के लिए हमने ऐसा किया। इसे ढक देंगे और इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही ये टिफ़िन बॉक्स गर्म हो जाएगा 3 से 4 चम्मच इसमें बैटर को हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे और इसे बराबर कर देंगे। बहुत ज़्यादा भरेंगे तो जैसे ही ये फूलना शुरू हो जाएगा बैटर सारा बाहर आ जाएगा। इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो यहाँ हमने कटोरी लिया है, इसे भी रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है। बचे हुए बैटर को इस कटोरी में डाल देंगे और साथ में इसे भी रख लेंगे। ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक हम पकने देंगे। इसका छेद बंद कर देंगे और 15 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से स्टिक डालेंगे और इसे हम चेक करेंगे तो स्टिक क्लीन आ रही है, लेकिन इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। ढक देते हैं और 5 मिनट तक और पकाते हैं। तो 5 मिनट के बाद देखेंगे टिफ़िन बॉक्स पूरा भर गया है ऊपर तक और ये अच्छी तरह से पक गया है। इस तरह से स्टिक डालेंगे, निकालेंगे, ये तैयार है। दोनों को चेक कर लेते हैं, कटोरी वाले को भी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे, इसे ढक देंगे और इसके ऊपर ये टॉवल डाल देंगे ताकि ये अपने आप ठंडा हो जाए। तो जैसे ये ठंडा हो जाएगा इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो चाकू से इस तरह से किनारे से खुरचते हुए इसे हम डीमोल्ड करेंगे। साबूदाने की वजह से थोड़ा सा चिपचिपा होता है। कटोरी वाले को भी इसी तरह से हम कर देंगे, हल्के हाथ से ही
तो ये अच्छी तरह से डिमोल्ड नहीं हो पाया है चाकू से, तो इसे मैं क्या करूँगी, चम्मच लूँगी और चम्मच का जो डंठल होता है पीछे वाला भाग उससे इस तरह से खुरचते हुए डिमोल्ड कर दूँगी। कटोरी वाले को भी इसी तरह से कर दूँगी। अब एक प्लेट लेंगे और इसमें ये आलू और साबूदाने के ढोकले को इस तरह से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्पंजी ये ढोकला तैयार हो गया है। किनारे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी है ये। अब इसे हम चम्मच के डंठल से ही इस तरह से काट लेंगे। तो पीसेज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं, आपको जितने छोटे पीस चाहिए जितने बड़े पीस चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा छोटा भी पीस नहीं पसंद आता, तो मैं मीडियम साइज़ का पीस इसमें काटूँगी। इस तरह से हमने सारे पीस को काट लिया। अब मैं इसे अलग करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल आपको क्लीन पीस निकलेगा इस तरह से। आप चाहे तो इसे बिना फ्राई किए ही खा सकते हैं, इसमें आपको किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं है, बस इसे आप काटें और इस तरह से आप इसे खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है, इस तरह से भी आप इसे खा सकते हैं। अब कटोरी वाले को भी हम डीमोल्ड कर देते हैं और इसे चार पीस में काट लेंगे। इन सबको किनारे रख देंगे, गैस चलाकर कढ़ाई गर्म करेंगे, आंच धीमी कर देंगे और इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा आंच धीमी कर देंगे। 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद तिल और 2 से 3 ये कटा हुआ हरा मिर्च। सबको थोड़ा सा चटकने देंगे, आप चाहे तो देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हम सारे पीस को डाल देंगे, तो बहुत पूरा पीस नहीं डालेंगे, बस 4 से 5 पीस डालेंगे, जितना पीस इसमें आ जाएगा। आप चाहे तो इसे तवे पर या फ्राइंग पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा झटकने देंगे ताकि नीचे से चिपकेगा नहीं, और सारे पीस को हम थोड़ा थोड़ा हिला देंगे। इस तरह से हमने सारे पीस को थोड़ा थोड़ा पहले हिला दिया और जैसे ही थोड़ा सा ये नीचे से कड़क हो जाएगा इसे हम पलट देंगे। साबूदाने की वजह से थोड़ा सा चिपकता है लेकिन काफ़ी कड़क बन जाएगा बाद में। तो इस तरह से हमने सारे पीस को पलट दिया। दोनों तरफ से हमें इसे ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन, और इसे बाहर निकाल लेना है। इसे एक बार और हम फ्राई करेंगे। अब बचे हुए तेल में बचा हुआ पीस को भी हम डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो सेम प्रोसेस से पीस को डालेंगे, जैसे ही थोड़ा सा ये कड़क हो जाएगा इसे हम पलट देंगे इस तरह से। इसी तरह से जैसे ही इस एक तरफ से ये ब्राउन हो जाएगा दूसरी तरफ से पलट देंगे, और जैसे ही ये दोनों तरफ से इस तरह से कड़क हो जाएगा, ये डार्क ब्राउन हो जाएगा, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अब जो हमने पीस पहले फ्राई किया था उसको डाल दिया और इसे कड़क होने तक फ्राई करेंगे। तो ये दोनों तरफ से डार्क ब्राउन हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसे एक प्लेट में लगा देते हैं। तो आप इसे बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं, कम तेल में या घी में भी फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आप व्रत में रिफाइंड ऑयल नहीं खाते तो देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके साथ आपको किसी भी चटनी की, सलाद की या और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे हो बड़े हो सबको आप खिला सकते हैं। इस रेसिपी को एक बार बना करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और 3 से 4 दिन तक फ्राई करके खा सकते हैं। कम तेल में, कम घी में और कम सामान में काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यमी ये रेसिपी बनती है। बस एक दिन बनाएं और 3 से 4 दिन तक स्टोर करें। बच्चे हो या बड़े हो सबको खिलाएं, खाएं और इसका लाभ उठाएं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।